नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थ प्रकाश टीवी। मैं अलीशा चुनेजा आपके लिए लाई हूँ पांच राज्यों की बड़ी खबरें। हिमाचल भवन में वर्दी में आराम फरमा रहे 13 पुलिस कर्मियों को मिली क्लीन चिट। अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में हुए प्रदर्शन की चंडीगढ़ और पंजाब DGP से हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी। हरियाणा सरकार के सूत्रों के अनुसार 13-14 सितंबर के बाद किसी भी समय आचार संहिता लागू हो जाएगी और 2 नवंबर से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। राजनीति में आने के लिए बबीता फोगाट ने छोड़ी हरियाणा पुलिस ASI की नौकरी। पंजाब के पठानकोट से बड़ी खबर आ रही है। यहां पंजाब जम्मू बॉर्डर से एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें से हथियार बरामद हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार लखनपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तरन तारण में ब्लास्ट करके पूरे पंजाब को दहलाने की साजिश रची गई थी। खाली प्लॉट में धमाके के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खडूर साहिब संपर्क मार्ग पर स्थित गांव कलोर के समीप खाली प्लाट में किया गया था धमाका। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भव्य आयोजन के लिए जिला प्रशासन की बैठकों का दौर जारी है। गुरुवार को देव सदन में दशहरा उत्सव को जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की अध्यक्षता। हिमाचल सरकार अब स्कूली बच्चों से मोबाइल फोन टीवी की आदत छुड़ाने के लिए ये तरीका अपनाएगी। ग्रेटर नोएडा में बीती रात UP STF की नोएडा यूनिट ने थाना बिसरक क्षेत्र से एक 50,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। यह बदमाश पिछले 11 साल से था वांछित। नौकरशाही छोड़कर राजनीति में उतरे शाह फैसल ने अपनी हिरासत को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली याचिका को गुरुवार को वापस ले लिया है। इसी के साथ अदालत ने की याचिका रद्द। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे पांच राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।